hello this is somya welcome to my channel somya study circle today our topic is uses and gratification theory it's very essential for the journalism and mass communication students let's start now what is uses and gratification theory first i want to discuss about it it is a mass communication theory it normally focuses on the needs motives and gratifications of the media users जो मीडिया यूजर्स होते हैं जो मीडिया को कंज्यूम करते हैं, जो रीडर्स होते जो लिसनर्स होते जो व्यूअर्स होते ठीक है वो उनका जो नीड होता है उनका जो मोटिव होता है उनका जो ग्रेटिफिकेशन होता है ये सारी चीज मीडिया के थ्रू वो सेटिस्फाई करना चाहते हैं, वो फुल फुलफिल करना चाहते ठीक है ये ये थ्योरी उस आधार पर बनाया गया है यूजर्स एंड ग्रेटिफिकेशन थ्योरी कौन से कंटेंट से जो मीडिया यूजर्स होते हैं वो अपने आप को सैटिस्फाई कर पाते हैं वो कौन सा नीड उनका इसमें फुलफिल होता है यहाँ पे ये ये इसके ऊपर फोकस किया गया है ठीक है इट डिस्क द इफेक्ट्स ऑफ द मीडिया ऑन द पीपल मीडिया का इफेक्ट लोगों के ऊपर क्या होता है ये थ्योरी डिस्कस करता है अपने नीड के लिए कैसे यूज करते हैं और कैसे वो सेटिस्फाई होते है उनका नीड जब फुलफिल होता है यहाँ पे ये यह एक्सप्लेन किया जाता है ठीक है यहाँ पे आप ऐसे कह सकते हो

अप्रोच ठीक है ये थ्योरी अगर आपको कोई कहां पे भी क्वेश्चन आ जाता है जैसे सेंट्रिक अप्रोच अप्रोच यूजेस एंड ग्रेटिफिकेशन थ्योरी यू में राइट इट इज इट इज एन ऑडियंस सेंट्रिक अप्रोच ओके इवन फॉर कम्युनिकेशन यू कैन ऑल्सो टेक द एग्जाम्पल हियर जैसे अगर आप किसके साथ किस, कोई चीज के बारे में जैसे बात करते रहते हैं कोई आपको बोलता है कि ये फिल्म अच्छा है वो फिल्म अच्छा है ये सीरियल अच्छा है वो सीरियल अच्छा है अपने आप उसके आ, अगले दिन आप जाके उन्हें बोलते हो आपने आज वो सीरियल में क्या देखा जैसे एक अनुपमा सीरियल चल रहा है अः उसमें क्या देखा आपने क्योंकि वो देखते हैं इसके लिए आपको उनके साथ डिस्कस भी करना है इसके लिए आप वो भी सीरियल देखना देखना पसंद करते हैं ठीक है और बाय रेफरिंग द मीडिया पीपल नॉर्मली गेन मोर नॉलेज एंड एक्सपोजर टू द वर्ल्ड बियड लिमिटेड आई जितना ज्यादा आप मीडिया को देखोगे मीडिया में आप जितने ज्यादा कंटेंट उसके उस, उससे वहां पढ़ोगे वहां देखोगे और सुनोगे और जितना आपका मीडिया मीडिया के साथ एक्सपोजर होगा तो आपका नॉलेज ज्यादा होगा क्योंकि आपका जो लिमिटेड नॉलेज था वो थोड़ा ब्रॉड हो जाएगा ठीक है नीड आर स्पेसिफिक इन नेचर टू द इंडिविजुअल एवरी इंडिविजुअलिफिक सारे जो इंडिविजुअल होते हैं उनका नीड कैसे सैटिस्फाई करता है बहुत सब्जेक्टिव होता है आप ऐसे एग्जाम्पल ले सकते हो सम पीपल में वॉच ए स्पेसिफिक प्रोग्राम टू रिलैक्स वाइल्ड अदर्स में गेट टेंड और एजुटेटेड बाई दट सेम प्रोग्राम ओके यू कैन टेक द एग्जाम्पल ऑफ बिग बॉस बिग बॉस को कुछ लोग बहुत पसंद करते हैं इसीलिए द प्रोग्राम इज द सेम बट दीपुल यूज इट फॉर डिफरेंट नीड्स ओके सो व ओरिजिन ये जो थ्योरी है इसका ओरिजिन क्या है दूजेस एंड ग्रेटिफिकेशन थ्योरी

1974 में क्या हुआ था जॉय जीव ब्लमर एंड एलिज ये दोनों एक रिसर्च किए थे द यूजेस ऑफ मास कम्युनिकेशन करेंट प्रोस्पेक्टिव ऑन ग्रेटिफिकेशन रिसर्च इसके ऊपर वो रिसर्च किए थे और दैट रिसर्च रिपोर्ट पेंटेड ए कंप्लीट पिक्चर ऑफ द यूजेस एंड ग्रेटिफिकेशन थ्योरी स एंड ग्रेटिफिकेशन थ्योरी के बारे में कंप्लीट पिक्चर ये रिसर्च uh, रिपोर्ट दिया था इसीलिए इन लोगों को ये जो यूजेस एंड ग्रेटिफिकेशन थ्योरी का जो बनाने का सारा श्रेय जाता है ठीक है इट द यूजेस ऑफ मीडिया इन टर्म्स ऑफ द ग्रेटिफिकेशन ऑफ सोशियल और साइकोलॉजिकल नीड्स ऑफ द इंडिविजुअल ये क्या कहता है इंडिविजुअल का जो साइकोलॉजिकल और सोशियोलॉजिकल नीड्स होता है उन्हें सेटिस्फाई करने के लिए मीडिया को यूज किया जाता है यहाँ पे लिखा गया ठीक है चलो ये देखते हैं जो नीड को जो इंडिविजुअल नीड को कैसे कैटेगराइज किया जा, किया गया है ठीक है पहला कग्नेटिव नीड्स उसके बाद अफेक्टिव नीड्स देन पर्सनल इंटीग्रेटिव नीड्स देन सोशल इंटीग्रेटिव नीड्स देन टेंशन फ्री नीड्स फर्स्ट आई आई वांट टू डिस्कस योर इंडिविजुअल कुछ कुछ बहुत सारे इंडिविजुअल होते हैं वो अकेडेमिक नॉलेज और करेंट अफेयर्स के बारे में जानना चाहते है क्विज के बारे में जानना चाहते है बहुत सारे चीज के बारे में उन्हें ज्यादा जानना पसंद है ठीक है For acquiring the knowledge, people also use the media. For acquiring the information, for acquiring the facts, to know the facts, they also, they also uh, want to uh, watch the media, also read the newspaper. Okay. Different people have their different needs. It is not a very common phenomenon, it is different. Okay.

they also uh, was the cooking show documentaries also read the newspaper they also uh, was the uh, daily news to be updated with the current affairs like this so cognitive needs ke liye media ko bhi individual use karte hai theek hai ये आपको यहाँ पता चल गया इसके बाद हम देखेंगे दिखे, कि affective need क्या होता है the affective needs normally इंक्लूड्स ऑल काइंड ऑफ इमोशन प्लेजर एंड लोगों का जो इमोशनल नीड होता है उसे करने के लिए, वो इमोशन को फुलफिल करने के लिए अपने जो प्लीजर को जो प्लेजर पाने के लिए अपना मूड के लिए वो मीडिया को भी यूज करते हैं कैसे यूज करते हैं आपने ये भी देखा होगा कि कहीं पे अगर आप फिल्म देख रहे हैं तो वहां पे आप क्या कर रहे हैं ठीक है फिल्म में आ, कोई सैड सीन आ जाता है तो आपका रोना भी आ जाता है नहीं रोना भी कभी कभी आ जाता है ठीक है चलो अब कोई अगर कोई कॉमेडी सीन आ जाता है आप हंस लेते हो वहां पे ठीक है वो आपका जो इमोशंस होता है आपका जो मूड्स होता है वो मीडिया के साथ भी रिलेट होता है पीपल आल्सो गेट इमोशनल सैटिस्फैक्शन अनप्लेजर फ्रॉम वाचिंग समथिंग लाइक टीवी सीरियल्स मूवीज लाइक एक्स्ट्रा अपने आप को कैरेक्टर में भी आ, लोग रख लेते हैं और उनके वो उसके हिसाब से अपने इमोशन को वो शो करते हैं as per the characters और मूवीज टीवी सीरियल्स आर द एग्जांपल्स आपने ये देखा होगा बहुत ज्यादा लोग होते वो कोई रोने धोने का सीन आ जाता है वो रो लेते कुछ लोग ऐसे होते कि कुछ ऐसे कोई हंसने का कोई सीन आ जाता है वो हंस लेते ऐसे होता है ठीक है और वेरी <coughs> रिएक्टिव भी हो जाते हैं लोग उसके बाद हम देखेंगे पर्सनल इंटीग्रेटिव नेट्स ठीक है व्हाट इज पर्सनल इंटीग्रेटिव द पीपल यूज मीडिया टू रीअश्योर देयर स्टेटस िटी एंड स्टेबिलाई कॉस्मेटिक्स एड्स वो सारी चीज आप देखते हो और बाय दिज प्रोडक्ट सो दट दे कैन चेंज द लाइफ स्टाइल ऑफ यू ठीक है आपका लाइफ स्टाइल वो चेंज कर सकता है ऐसे भी आप आर्ट देख के वो खरीद कर लेते हो ठीक है तो पीपल वाच टेलीविजन एंड दे हैव द रिस्पेक्टेबल स्टेटस इन द सोसाइटी कुछ लोग समझते हैं कि उनके पास जैसे टेलीविजन है उनके पास मोबाइल है उनके पास लैपटॉप है तो उनका स्टेटस अलग है सोसाइटी में ठीक है दिस इज सेल्फ एस्टीम नीड आल्सो, ठीक है इसे सेल्फ एस्टीम नीड भी कहा जाता है और यू कैन ऑल्सो डिस्कस अबाउट समथिंग लाइक नोइंग द लेटेस्ट फैशन ट्रेंड कुछ uh, लड़कियां होते गर्ल्स होते वो फै, लेटेस्ट फैशन ट्रेंड के बारे में जानना चाहते जो बॉयज होते वो भी फैशन ट्रेंड के बारे में जानना चाहते और कोई इंस्टाग्राम में अपने अपना ज्यादा से ज्यादा फॉलोअर्स क्रिएट करने के लिए वो भी अपना कुछ फोटो डाल देता है वहां पे पोस्टिंग फोटोज यूट्यूब में यूट्यूबर्स भी डाल देते हैं अपना वीडियो ये सारे चीज होता है ट्रेंड्स भी होते हैं वो पर्सनल इंटीग्रेटिव नीड्स होता है लोग अपना जो, जो मूड होता है वो अपना जो पर्सनल नीड होता है उसे फुलफिल करने के लिए उसे सेटिस्फाई करने के लिए भी मीडिया को यूज करते हैं ठीक है चलो उसके बाद देखते हैं सोशल इंटीग्रेटिव नीड्स सोशल इंटीग्रेटिव नीड्स क्या होता है सोशल इंटीग्रेटिव नीड्स नॉर्मली इट एनकम्पसेस द नीड टू स्टेबिलाईज विथ फैमिली फ्रेंड्स स्ट्रेंजर्स एंड रिलेशंस इन ऑर्डर टू फील लाइक यू आर द पार्ट ऑफ द सोसाइटी आपको यहाँ पे अपने आप को सोशल होने का शो करना पड़ता है ठीक है आप जैसे सोसाइटी का एक पार्ट हो और अपने फैमिली के साथ अपने फ्रेंड्स के साथ आपको सोशलाइज रिलेशनशिप uh, भी दिखाना पड़ता है ठीक है यहाँ पे आप ये जो सोशल इंटीग्रेटिव नीड ये बोलता है कि आप आप अपने को सोसाइटी का एक पार्ट दिखाने के लिए आप रिलेशन को मेंटेन करने के लिए आपको सोशलाइज uh, होना पड़ता है ठीक है नाउ ए डेज फॉर सोशल इंटरक्शन पहले हम क्या करते हैं, क्या करते थे वीकेंड तो में अब ज्यादा से ज्यादा हम लोग एक साथ इकट्ठा मैंने एक साथ बैठ के डिस्कस कर लेते थे कोई चीज चीज के बारे में लेकिन यहाँ पे क्या होता है ना पीपल रेयरली गैदर इन द वीकेंड्स बट दे आर यूजिंग द सोशल नेटवर्किंग साइट्स लाइक फेसबुक ट्विटर इंस्टा टू सैटिस्फाई दैट सेटिस्फाइड सेटिस्फाइड ने वॉचिंग ए पर्टिकुलर शो जस्ट फॉर द सेक ऑफ मेकिंग कन्वर्सेशन विथ एवरी वन एक पर्टिकुलर शो लोग देखते हैं क्यों टू कन्वर्स टू मेक कन्वर्स conversation with the other people ठीक है चलो कोई केबीसी का कोई शो चल रहा है के का अभी शो चल रहा है लोग देखते हैं वो शो को ठीक है घर में अगर कुछ डिस्कशन आ जाता है ये क्वेश्चन आया था अमिताभ बच्चन ने ये बोले थे और मैंने उसे पहले बोल दिया और किस और कोई है घर में तो उन्हें वो भी देखना चाहता है कोई कैसा क्वेश्चन आता है हम भी देखेंगे हम भी डिस्कशन करेंगे वो भी कर लेता है ठीक है People may start watching a particular program not because they have any self interest. ठीक है मेरे घर में ओडिया सीरियल भी देखते हैं मेरे मदर इन लॉ जब मैं देखती हूँ वो उनके साथ बात करने के लिए मैं वहां बैठ जाती हूँ उनके साथ भी देखती हूँ और वो कभी कभी मुझे भी मेरे अपने सेल्फ इंटरेस्ट नहीं होता है लेकिन वो देखते हैं इसीलिए मैं उनके साथ बैठ के कभी कभी देख लेती हूँ और उसके बाद वो वो सीरियल के बारे में भी हम डिस्कशन कर लेते हैं सोशल इंटरेक्शन भी बढ़ जाता है हमारा ठीक है समझ रहे हो ना इसीलिए भी हम ये करते हैं मीडिया को यूज करते हैं चलो उसके बाद देखते हैं टेंशन फ्री नीड्स समटाइम्स द पीपल वॉन्ट टू एस्केप फ्रॉम द रियल वर्ल्ड वो चाहते कि रियल वर्ल्ड से थोड़ा अलग हो जाए टू रिलीव फ्रॉम द टेंशन एंड स्ट्रेस एवरीडेपल्सो बियर द स्ट्रेसफुल लाइफ हम लोग ज्यादा से ज्यादा स्ट्रेसफुल हो जाते हैं टेंशन हो जाते हैं उसे बियर करते हैं ठीक है फॉर एग्जाम्पल यूपुल टेन टू रिलैक्स वाइल वाचिंग टेलीविजन लिस्टिंग टू द रेडियो सर्फिंग द इंटरनेट जब हम ये सारे चीज करते हैं कोई गाना सुनते हैं कभी फिल्म देखते हैं कभी इंटरनेट को सर्फ करते हैं कुछ ज्यादा से ज्यादा ये सारे चीज करते रहते हैं कोई रील्स इंस्टा इंस्टावीडियोज और कुछ यूट्यूब देखते हैं तो हमें अच्छा लगता है टेंशन फ्री हो जाते हैं फॉर टेंशन फ्री वी ऑल्सो यूज द मीडिया मीडिया हैज द पावर टू ग्राफ द ऑडियंस माइडियंस माइंड सिंस इट मेक्स देम फील कनेक्टेड विद दिटुएशन एंड कैरेक्टर्स इमोशनली ओके

अपने आप को सैटिस्फाई करते हैं मूड को नीड को वो सैटिस्फाई करते हैं फुलफिल करते हैं इसके बारे में गया, गया है ऑडियंस सेंट्रिक हो गया ज्यादा से ज्यादा इट मेनली फोकस ऑन पीपल सिलेक्टिविटी ऑन मीडिया कंटेंट रादर देन इट्स अनइंटेंडेड इंटेंडेड इफेक्ट इन दर माइंड ठीक है पीपल सिलेक्टिवली ऑन सा मीडिया कंटेंट को वो देखते हैं उसके बारे में ये फोकस um, किया है इस थ्योरी uh, um, में द थ्योरी टू फोकस ऑन इंडिविजुअल दियोरी टेंडिविजुअल द सोशल कॉन्टेक्स्ट ज्यादा से ज्यादा इंडिविजुअल नीड्स इंडिविजुअल ग्रेटिफिकेशन इंडिविजुअल सैटिस्फेक्शन इंडिविजुअल फुलफिलमेंट के बारे में यहाँ पे कहा गया है सोशल कंटेक्स के बारे में यहाँ पे नहीं कहा गया है ठीक है द रिसर्चर्स ऑफ दिस थ्योरी

और मुझे लगता है आपको भी आ, कुछ समझ में आया होगा अगर आप को ये पसंद आता है तो बार बार जरूर दिखिएगा क्योंकि एक से दो बार पढ़ने से आपको भी अच्छा लगेगा और आप ज्यादा से ज्यादा सीख पाएंगे समझ रहे हो ना और मुझे ये भी आपको बोलना पड़ेगा कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप उसे जरूर लाइक कीजिएगा और जरूर शेयर कीजिएगा ज्यादा से ज्यादा बच्चों के पास ये आ, अगर पहुंचेगा मुझे अच्छा लगेगा ठीक है समझ रहे हो ना थैंक यू बाय बाय माई नेक्स्ट वीडियो आई विल वेरी आई विल कम टू वेरी सुन टू नियर यू ओके बाय बाय